तो हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो फिर एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं जा रहा हूँ जगदलपुर, रायपुर से जगदलपुर, वो भी साइकिल से। ये मेरी सेकंड जर्नी होने वाली है जो साइकिल से करने वाला हूँ, और जिन्होंने मेरी फ़र्स्ट जर्नी नहीं देखी है वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप मेरी फ़र्स्ट जर्नी देख सकते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ रायपुर से जगदलपुर। आज की जो डेट है वो है 17 दिसंबर। तो और जगदलपुर यहाँ से है लगभग 300 किलोमीटर दूर है, तो पता नहीं कितना दिन लगने वाला है। लगभग मेरे हिसाब से 3 दिन लगने वाले हैं, 3 से 4 दिन ऐसे कुछ। तो देखते हैं, मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए एंड तक के। और मेरी सारी अपडेट जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लाइक तो बनता है बॉस। तो अभी मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर है ये रायपुर कमल विहार है। मैं अभी कमल विहार से जस्ट 10-15 किलोमीटर आ गया हूँ। यहाँ पर रोड काफ़ी ख़राब मिल गए, ऐसे रोडों में ना चलना काफ़ी मुश्किल होता है यार। मतलब एकदम गिट्टी मुरूम का रास्ता, और साइकिल पे जा रहा हूँ तो टायर पंचर हो गया, तो काफ़ी यहाँ पर लग रहा रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऐसा। तो ज़्यादा लंबा तो नहीं है ये रोड, देखते हैं अब आगे और कैसे कितना और इतना ही ऐसी रोड मिलने वाला है, ख़राब रोड। ठीक है यार, ऐसे रोड में ना चलाने में थकान भी होता है, और बाकी रोड उसमें भी होता है लेकिन उतना नहीं होता। तो देखते हैं आगे, ये एक चीज़ ख़राब है, रोड अच्छे मिले ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं लगता। देखो ना यार, अपने रोड के देखो कितने ज़्यादा कंडीशन ख़राब है एकदम। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, बहुत। एक चीज़ है, अपन जा रहे हैं जगदलपुर, धमतरी, कांकेर, ऐसे केसकाल घाटी होते हुए जाएंगे, एक ये रूट है। और दूसरा रास्ता उधर से जाता है राजिम गरियाबंद से होते हुए, तो आप उधर से भी जगदलपुर जा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है अपने को रास्ता, ठीक है। और ये रास्ता थोड़ा सा पास पड़ता है, तो अभी मैं कहाँ बस हूँ पता नहीं, बस यहाँ दोनों तरफ पेड़ थे और रास्ते में छाया, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक गया। और ऐसे पेड़ पेड़ इलाका आता है ना तो थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है यार, अच्छा लगता है आपस पता है। और थकावट हो गई थी तो पानी पी रहा था, और एक प्रॉब्लम हो गई कि रास्ते में मैं पानी का बॉटल कहीं पर गिर गया रास्ते में, तो यार पूरा ढक्कन फट गया और पूरा पानी बह गया, तो सिर्फ इतना ही पानी बचा है, पूरा पूरा का पूरा पानी नीचे गिर गया। अब मुझे ना एक नया बॉटल लेना पड़ेगा, तो अभी तो नहीं, कम से कम धमतरी पहुंचेंगे उसके बाद देखते हैं, या तो फिर कहीं पर ज़्यादा प्यास हो लगेगी तो ले लेंगे। अच्छा लग रहा है, और जगदलपुर मैं तो कभी गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है यार। तो ब्लॉग को पूरा देखना, अच्छे से देखना यार, एंजॉय करो। तो आगे मिलते हैं, चलो। यहाँ लिखा है धमतरी 10 किलोमीटर, जगदलपुर 232। तो यार ज़्यादा टाइम नहीं बचा, बस पहुंचने वाला है धमतरी। भूख भी ताबड़तोड़ लगी यार एकदम,
सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो सोचा कि धमतरी तक पहुंच जाऊं, उसके बाद फिर वहीं दबा करना एकदम पेट भरते थे, ज़्यादा भी नहीं करना है, ज़्यादा कर लूँगा ना फिर साइकिल नहीं चला पाऊँगा, भूल गया था मैं यार, भूख इतनी लगती ना कि मन करता खाने को, इतना सारा मिल जाए कि पूरा खा लूँ, लेकिन इतना खा लूँगा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नुकसान मेरा ही हो जाएगा, फिर साइकिल भी चलाना है आगे, मैं एक दिन में जगदलपुर तो नहीं पहुँच पाऊँगा साइकिल से, पता नहीं आज और कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, तो आज दिन भर में और रुकने का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो देखते हैं कहाँ ठहरना होता है हमारा, या कहीं रुकने की जगह मिलेगी भी कि नहीं, कि ऐसे ही रात बिताना पड़ेगा रोड में, देखते हैं, देखते रहिए ब्लॉग को। अब धमतरी ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर बचा हुआ है, और मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाता लेकिन यहाँ पर रोड काफ़ी ख़राब आ गया है काफ़ी, और ये रोड पहले तो ऐसा था कि थोड़ा दूर रहता था बस, ज़्यादा नहीं कुछ दूरी, उसके बाद अभी अब रोड बहुत लंबा ही ख़राब दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये गांव है पीपर छेड़ी नाम का एक गांव है, तो अभी वहीं पहुँचे हैं, और यहाँ पर रोड इतना ख़राब है, ऐसी रोड रहा तो मुझे साइकिल से पहुँचने में और टाइम हो जाएगा, तो हम लोग धमतरी पहुँच चुके हैं, ये सामने धमतरी का बस स्टैंड है, तो पहुँच गए हैं, ये मास्क मैंने इसलिए लगाया है, काफ़ी इस रोड में बहुत धूल रहता है, धूल उल उड़ते रहता है, तो इसलिए लगाया था, तो अभी टाइम हो रहा है 12 और धमतरी 12 बजे पहुँचे हैं, भूख लगी यार, सबसे पहले तो अपन कहीं नाश्ता करने का देखते हैं, तो पास में कहीं होटल होता है जिसमें अच्छा था, फिर वहाँ चलते नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे बताता हूँ आगे कहाँ जाने वाले हैं, फिर यहाँ से यहाँ लिखा है चरामा 28 किलोमीटर, कांकेर 58, कोंडागांव 143 और जगदलपुर 216। ये चितौड़ गांव है, कुछ छोटा सा गांव है, तो यहाँ पास होटल मिला बड़ा सेंटर करके, तो चलो कुछ नहीं तो बड़ा ही खा लेते हैं, ये वो बड़ा है 20 रुपये प्लेट है, अब इधर रास्ते में जंगल शुरू हो गया, कई खाटी जंगल दिख रहा है यार, एकदम घना घना जंगल, और रास्ते भी एकदम चढ़ाव लाने शुरू हो गए हैं, काफ़ी चढ़ाव ला रहा है यार, एकदम आगे देखो तो चढ़ाव, पीछे देखो तो चढ़ाव, चारों तरफ साइकिल चलाने में भी हालत बैंड हो गई। ये रायपुर से जगदलपुर जाने में पहला टोल गेट पड़ा है, बट अपन तो साइकिल में, अपने को कोई टोल गेट देने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा पहला टोल गेट, अब देखते हैं रास्ते में और कितना टोल गेट पढ़ने वाला है।
फाइनली हम लोग अभी चार माह तक पहुंच गए हैं और हम लोग आए इस रूट से। ये बीच है और ये एक नैनी नदी बोलते हैं इसे। अभी पानी उतनी ज़्यादा नहीं है और इसे नैनी नदी बोलते हैं। और ये रहा चार माह आगे। हालत ख़राब हो गया भाई। अभी शाम के 3:30 बजे हैं। जिस हिसाब से टाइमिंग हमने लिया था उस हिसाब से मतलब पहुंच गए हैं। अब देखते हैं, चार माह में रुकने का सोचा था पर पता नहीं, रुकने का रास्ता नहीं है बोल रहे थे। एक दो जगह मैंने पहले पूछा था, तो देखते हैं अगर नहीं बनेगा तो कैसे करने वाला हूँ। तो ये है चारामा गांव, जो कि गांव जैसा तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और ये है चारामा का बस स्टैंड। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई यार। मैंने सोचा था कि मैं चरामा में रुक जाऊंगा, चरामा जो गांव है, लेकिन मैं अभी कांकेर जाना पड़ रहा है क्योंकि चरामा में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहां मैंने पता किया, आउटसाइड लोगों से बात की, तुमने बताया कि चरामा नहीं, तुम कांकेर चले जाओ, वहाँ तुमको रुकने के लिए बन जाएगा। तो मैं कांकेर के लिए निकला हूँ और यहाँ शाम रात हो चुकी है। रात अभी मतलब रात अभी हुई है, लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो रेड में अंधेरा हो गया। एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साइकिल में ना लाइट है ना कुछ, फिर भी मैं चले जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुझे कैसे भी करके कांकेर तक पहुँचना है और अभी 6:30 हो रहे हैं। कांकेर यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर और एक आसान नहीं हो रही है कि ना ये हाईवे रोड है। तो हाईवे रोड में क्या है, गाड़ी वाड़ी चल ही रही है तो उसकी लाइटों की वजह से मुझे रोड थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। कैमरे में वो दिखाई नहीं देगा अच्छे से, बट मेरे को दिखाई दे रहा है। तो कहाँ कहाँ मैं अंधेरे में फंस गया यार आज जंगल में। सोचा नहीं था ऐसा होगा, पहला दिन ऐसा गया है तो पता नहीं अभी 2 दिन कैसे जाने वाला है। शायद मैं आपको दिख भी रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। मैं रायपुर से आ रहा हूँ भाई। अरे धन्यवाद भाई। आप कहाँ से हो भैया? हैं, आप कहाँ से हो भैया? खास रायपुर से ही हूँ। जगदलपुर जा रहा हूँ। कितना दिन हो गया आपको? आज पहला दिन। आज पहला दिन है? हाँ, सुबह निकला था मैं 6 बजे कुछ और अभी कांकेर तक पहुँच। कांकेर में अभी रुकोगे? हाँ, कांकेर में रुकूंगा, उसके बाद फिर पता नहीं है। उसके बाद अगले दिन मतलब रुक के ना सुबह निकलूंगा। हाँ, मतलब साइकिल भ्रमण। और अकेले भैया है? अकेले? हाँ अकेले हूँ भाई। तो मैं फाइनली कांकेर सिटी पहुंच गया हूँ। तो कांकेर पहुंच गया भाई। आज का जो मिशन डे वन जो था, मिशन डे वन वो सक्सेसफुल हुआ, कांकेर तक पहुंच गए। अभी टाइम हुआ है 7:07 बजे हैं और अभी रुकने के लिए कोई व्यवस्था मैंने ढूंढा नहीं है, तो चलो वो ढूंढते हैं।
फिर उसको ढूंढने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए चलो, पता नहीं आज का दिन कैसा रहा, आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया। तो मैंने भाई बहुत मेहनत की है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और चलो पहले रुकने की व्यवस्था ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है।